नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी 22 मई को राजगढ़ के नेहरू मैदान में एक जनसभा का आयोजन करेगी। इस जनसभा की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन करेंगे। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई अन्य बड़े नेता भी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता पंकज सोहल ने दी। उन्होंने बताया कि ये जनसभा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गृह एवं निर्वाचन क्षेत्र पच्छाद के राजगढ़ में चुनावी शंखनाद होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर गांव-गांव और घर घर जाकर लोगों को इस जनसभा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और लोगों में इस जनसभा के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंकज सोहल ने कहा कि इस जनसभा में दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को यहां की जनता के समक्ष रखा जाएगा, साथ ही प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने रखा जाएगा और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे विषयों में सुधार पर भी चर्चा की जाएगी। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। अभी तक जी पिछले तकरीबन 6-7 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे मशरूम का फार्म है, तकरीबन उसमें 50 लोग हमारे पास काम करते हैं। उन 50 लोगों के ज़रिए हम 200-250 परिवारों के साथ एक किस्म से जुड़े हैं और उन लोगों से हम पिछले 6-7 सालों से जैसे हम संपर्क में आते हैं, हर रोज़ की बातचीत में हमें पता चलता है सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, स्कूलों की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ का जो यूथ है उसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियाँ उनके पास है, वो ज़्यादातर हमें यही कहते हैं कि हमारे फलाने साथी हैं, वो कोई दिल्ली चला गया है, कोई अब्रॉड चला गया है। यहाँ पे हमें कोई चीज़ ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों अवेलेबल नहीं होता कि जहाँ पे हम अपना रोज़गार कमा सकें और अपनी फैमिली के साथ घर पे भी रह सकें। तो इन चीज़ों पे जो एक एंटरप्रेन्योरशिप भी है और या रोज़गार को पैदा करने का भी एक तरीका है, हम उन चीज़ों पे भी वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी। और हम इस चीज़ को मैं जनता तक को भी आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे आम आदमी पार्टी का साथ अगर जनता देगी तो हर घर में 5 से 10 हज़ार रुपये इनकम बढ़ाने का एक कोई ना कोई सॉलिड एक ज़रिया और उनको बैंकिंग के मॉडल के थ्रू उनको सपोर्ट जिस मॉडल को मिले, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को, उसमें हम कोशिश करेंगे ताकि जो यंगस्टर्स का ब्रेन ड्रेन यहाँ से हो रहा है, जो पलायन यहाँ से हो रहा है, एक तो वो रुक जाए। इसके अलावा बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं या सड़कों की जैसे समस्याएं हैं या हेल्थ केयर की समस्याएं हैं, वो उन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अभी एक और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 47% कॉलेजेस में प्रिंसिपल तक नहीं है। अगर ये हमारे हालात हैं, अगर हम प्रिंसिपल्स तक नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं तो हम एजुकेशन को किस विजन से लेके जाएंगे या कौन सी लीडरशिप कहाँ लेके जा रही है। तो हम इस चीज़ को हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता का जो राइट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू गुड लाइफ है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, वो चीज़ें उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको मिलने चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है। आज तक 50 सालों में इन दोनों सरकारों ने नहीं किया, हमें एक मौका दें, हम आश्वासन दिलवाते हैं कि हम इसी में करके दिखाएंगे, हम कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।